अस्सलाम वालेकुम जी, एक नई वीडियो दे नाल मेरी तरफों सब नूं वार्म वेलकम मेरे चैनल ते। जिन्हां लोगों ने सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ सबसक्राइब कर दो, लाइक कर दो ताकि साड़ी हर नई आने वाली वीडियो तुहानूं मिलती रहे ते साड़ी भी हौसला अफजाई हो जाती है। अज का जिहड़ा मेन टॉपिक है वीडियो बनाने का, वह है वे कि एक बंदे ने कमेंट सैक्शन च सवाल किया सी कि स्पेन दे विच बिजनेस रजिस्टर्ड करन दा या बिजनेस करन दा कानूनी प्रोसेस की है और इहदे विच को थोड़ी गाइडलाइन दे दो है। नॉर्मली तौर ते साडे इत्थे जितने भी बंदे आए ने 90% 80% वो तकरीबन बिजनेस ही करते पे ने आए, हाँ वो कबाब दे काम विच ने, ज़्यादातर कबाब दा काम है पूरे स्पेन च, तकरीबन हर पिंड च फैले है और किसी भी शहर चले जाओ किसी भी पिंड चले जाओ तो कोई होर मिले ना मिले पाकिस्तानी कबाब वाला जरूर ही मिलेगा है। तो वह तकरीबन हर बंदे नूं ही पता है कि इसका प्रोसेस की होंदा है। उस तो बाद साडे बंदे ज़्यादातर बिजनेस ने अगर कत्ल लूनिया चाह जो तो इतने कबाब के नाल सुपर स्टोर करियाना स्टोर जिन्होंने कहने है वह बिजनेस है। उस तो बाद फरूतेरिए का बिजनेस है, अगर तुम पाइसवास वाली साइड पर चले जाओ या वैलेंसी वाली साइड पर चले जाओ तो फरूतेरिए का बहुत कम है। तो उस तो बाद अगे बहुत ज़्यादा PCO का काम से, लोको तोरियो का जहाँ कंप्यूटर वगैरह रखे होंगे ने पैसे सैट कर करते हैं वगैरह इन्हों का सी है ना। तो यह चार मेन ही काम ने मेरी नज़र चाहे मेन जोड़े ज़्यादातर पाकिस्तानी करते ने है और ये भी जोड़ा यदा मैं प्रोसेस थोड़ा समझा दिना कि अगर एक बंदा नवा है तो वह इस किस तरह लवेगा है ना। सब तो पहले तो भाई तो हर बंदे ने अपनी कैलकुलेशन करके चलना होंदा है, हर बंदा अपनी कैलकुलेशन हिसाब से चल देखता कि मैं किहड़ा बिजनेस कर रहा और मैं इस दे विच कितनी को लागत मेरी आएगी है। तो जारी बात इंसान इस परेशान भी होंदा कि इस दौरान कानूनी प्रोसेस की होगा ना। तो सब तो पहला पॉइंट जिहड़ा पहला पास होंदा वह यही होंदा कि तुसी किराए ते दुकान जिहड़ी लैनी हो अपना कंप्लीट प्रोसेस करो है। बारिश में थोड़ा मुश्किल होंगे, पैसे ज़्यादा लग जाते हैं है, बारिश शहर छोटे पिंड चले जाओ तो एक दो किराया एडवांस दे के थोड़े ना कंट्रैक्ट हो जाता है। नॉर्मली 5 साल का कंट्रैक्ट होंगे वो तुम अपने ना करा लेना ठीक है जी है। उस तो बाद उस तो पहले भी जी चीज़ है ना कंट्रैक्ट करने तो भी पहले जरा मेरी नज़र च मैं लगता है सब तो पहली चीज़ है कि तुम ना जिस शहर काम करना है ना कोई भी बिजनेस खोलना है तुसी उत्थे किसी भी या जाने वाले थ्रू या वैसे मुतलका इंजीनियर जिहड़े आ काम करदे ने ना जिहड़े लाइसेंस पास करा के दिंदे ने है तुसी उहनां दे नाल राबता करना है ठीक है जी है। कानूनी प्रोसेस भाई सारा उसने करके देना होंदा तुहानू, तुहाडा जिहड़ा काम है होर कोई नहीं होंदा और उसने तुहानू दसना होंदा कि इस दुकान दे विच इतने मीटर दुकान है और इस दुकान दे विच सानू इस चीज़ का लाइसेंस लभ सकता है कि नहीं लभ सकता है। मिसाल के तौर पर हुण बाद जगह तो ऐसा होंदा है कि तुसीं कबाब का काम बनाने लगे हो ना तो उहदे विच इस तरह होंदा कि तुसीं दो बाथरूम ने तुहाडे कोल ना, एक वूमेन्स वास्ते एक मैनस वास्ते ना। हुण बाद दफा होंदा है कि सर्टन मीटर्स के बाद इन्ने मीटर की दुकान अगर वड्डी होवेगी तो वह इनवैलिड परसन वास्ते भी वह बाथरूम मंगते हैं है ना, वो कानून दे विच होंदा। इस गल्ले जितना भी मीटर दुकान होगी वो तुसी पहले अपने इंजीनियर का मशवरा कर लेना है कि सानू किन्ने मीटर दुकान च केड़ी केड़ी फैसिलिटी होनी चाहिए है ठीक है ना, ताकि असी फिर उन्हूं हल्की देर करिए। उस तो बाद एक और पॉइंट आता है कि जिहड़े लोग कबाब बनाते हैं उन्होंने चिमनी का बहुत बड़ा मसला होंदा है कि उत्थों जिहड़ा सालीदा दे उम्मों जिहड़ा धुआं निकलता है उहदा की प्रोसेस होगा। कई बिल्डिंग दे विच ते उह पाइप लगे होंदा जिहदे नाल तुसीं बस कंपनी का पाइप अटैच करना होंदा और उस तो बाद जिहड़ा उह धुआं बिल्डिंग उत्ते निकल जाता है, उहदा ते कोई इशू नहीं होंदा। लेकिन बाहर बिल्डिंग दे विच चिमनीज़ नहीं होंदियां ने, फिर वह इशू बन जाता कि पाइप किस तरह कढ़िया जाए है। तो वह बाद बिल्डिंग वाले इजाजत दे देंगे, लेकिन मेजॉरिटी मसला इशू बन जाता, कोई बंदा भी खड़ा हो जाता है वह कहता कि मैं नहीं कर देना तो फिर वो भी प्रॉब्लम आती है ठीक है जी है। तो वह तुम देख लेने कि पहले इंजीनियर का मशवरा कर लो है, कर लेना चाहिए है कि मैं कबाब बनाना चाह रहा इस शहर के मैं किस तरह की दुकान चाहिए है जिद जिदी तू मैं परमिशन कल लैके दे सकना है ठीक है जी है।
अगर तुसी बार्सलोना च अलीमेंटेशन बना रहे हो, सुपर स्टोर बना रहे हो, तो तां वी तुहानू उहदे नाल मशवरा कर लेना चाहिए कि इस एरिए मैं बना रहा इतने मीटर दुकान है, यह हिसाब है, ठीक है जी। है तो क्या तू मैनू परमिशन लै देवेगा, इस एरिए परमिशन मिल रही है, ठीक है जी। है वो तुसी बाद विच भी करना है, तो पहले भी करना है, क्योंकि ये साडा कोई काम है, इंजीनियर दे काम होंदा, उन्हें पूरा प्रोजेक्ट जड़ा है ना बना के, कितने मीटर दुकान है, कितने मीटर च की होवेगा, कितने मीटर च की रखणगे, यानी एक एक चीज़ की तफसील करके उन्हें पूरा प्रोजेक्ट बना के ना अगो यूनिटा मिनट च जमा कराना होंदा है, पर उसकी बेस पर ही तुहानू लाइसेंस मिलता है वे, ठीक है जी। है वो तुसी भाई ने प्रोसेस पूछा सी, प्रोसेस है कि पहले इंजीनियर ने मशवरा करो, उस तो बाद थोड़ा माइंड क्लियर हो जाएगा कि जी मैनू यह चीज़ चाहिए है, और इस टाइप की दुकान चाहिए, और इस एरिए मैं अगर इस शहर या इस पिंड च बनानी है, तो मैं इस टाइप की बार चाहिए है, या इस टाइप की दुकान चाहिए, जिदा कम जड़ा है वो हो जाएगा। अगर तुसी नवे बंदे हो किसी भी फील्ड में, तो तुसी कुछ पैसे लाना चाहते हो, तो फिर मेरा बजाते हो जो एक्सपीरियंसड मशवरा यही होंगे कि कोई चलता काम लै लो है, तो क्योंकि बंदा जिन्ने जोगा ना होना काम नहीं करना चाहिए ना, तो तुसी कोई ना कोई कबाब, अगर कबाब जाना चाहते हो या तुसी दुकानदारी उधर जाना चाहते हो, तुसी उसका ना चलता लै लो, तसली करके लै लो कि ये मतलब की प्रॉफिट हो जाएगा ना, कोई हफ्ता 10 दिन उत्थे बैठ के क्लाइंट चेक करके लै लो, उस तो बाद जो तुसी इस फील्ड के खिलाड़ी हो जाओ, तो फिर जाके तुसी अगों कुछ नया स्टैप उठाना चाहिए है कि नवी दुकान का लेना चाहिए, क्योंकि हम तुम्हें पता है कि मेरी बैकबोन है वे, डायरेक्ट जाके कोई बात चलती नहीं दुकान है, या इंजीनियर के मसले, या बाद तुसी गलत दुकान लै लेंगे हो, फिर पैसे जाया करते हो, इंजीनियर कहता कि मैं ये तुम्हें परमिशन ला या लाइसेंस नहीं लैके देता है, तो वह फिर इशू बन जाता है। मेन भाई यह दो तीन चीज़ा होंदिया ने, स्पेन च बिजनेस खड़ा करने वास्ते इन्नी को लम्मी कोई कानूनी प्रोसेस की जरूरत नहीं होंगी, बस यह कि वो जी जगह है वह तुम्हें इंजीनियर जरा तसली दे दे कि मैं इसका लाइसेंस लैके दे सकना है, ठीक है जी। बाकी थोड़े को कंट्रैक्ट होंगे, तो बाकी जो चीज़ा ने आप पूरी करनिया ने, जे तुम कबाब चाहते हो तो बाकी जी डेकोरेशन करनी है, या वो बड़ा बनाना है, या वो मशीनरी लैनी, या वो मेज कुर्सियां लैने, जो भी करना तो खुद करना होंगे, क्योंकि मेरा को कानूनी मामत मंग मनी मंगी है, तो मैं फिर तुम वही दस सकना, ठीक है जी। है इस तरह ही फ्रूतेरिया का मसला, इस तरह ही सुपर स्टोर का मसला है ना, वो इंजीनियर तुम्हें दस देगा कि इतने यह करना, इतने हिसाब लाने, ठीक है, इतने तुम सिलेंडर लाने ने, अग बुझाने लिया, इतने तुम यह करना, ठीक है ना, वो तुम तकरीबन कंप्लीट हिस्ट्री दस देगा, ठीक है जी। है कानूनी तौर पर होर कोई मसला नहीं है, ठीक, तुसी बिजली अपने ना कराओ, उस तो बाद तुसी पानी अपने ना कराओ, ठीक है जी। है और तुसी अपना काम स्टार्ट कर लो, जो ही इंजीनियर तुहानू बकायदा जी रसगवार तो देगा, तो तुसी उस तो बाद अपना काम शुरू कर सकते हो, ठीक है जी। है बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।